Assalamualaikum dear students of class 10th and 12th. बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं एसेक्चुअल का हमारा लास्ट पार्ट है. इट इज रीजनरेशन. आप देखिएगा बेटा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है रीजनरेशन लास्ट पॉइंट है इसका. तो रीजनरेशन आप देखिएगा. रीजनरेशन का पहले लफ्जी तर्जमा पढ़ते हैं. ये लैटिन वर्ड है. कुछ रेफरेंसेस में इसके बारे में बात आई है. ग्रीक वर्ड है. ये निकला है री से. री का मतलब है अगेन दोबारा. जेनरियर दूसरा वर्ड. जेनरियर से निकला है टू जेनरेट यानी कि कोई चीज फिर से बनाना. रीजेनरेट का मतलब है टू रिन्यू टू रिफॉर्म टू रीबिल्ड टू रीस्ट्रक्चर्ड. तो ये जो कॉन्सेप्ट है रीजेनरेशन का इसको सबसे पहले डिफाइन किया गया था ट्रम्बले ने इसके बारे में बात की थी रिगार्डिंग दैट वाज हाइड्रा. हाइड्रा के बारे में बात की थी ट्रम्बले ने क्योंकि रीजेनरेशन पावर हाइड्रा का बहुत ही अच्छा है. वो आगे जाके बात करेंगे. ट्रम्बले ने सबसे पहले रीजेनरेशन के बारे में बात की थी 1742 या 44 में. इसीलिए ट्रम्बले को कहा जाता है फादर ऑफ रीजेनरेशन. बेटा रीजेनरेशन क्या है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. रीजेनरेशन एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक जानदार पहले ये बताना जरूरी है जितने जानदार जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स लोअर ऑर्गेनाइजेशन के होंगे उतना रीजेनरेशन पावर हाई होता है. जितने जानदार कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं बड़े होते जाते हैं जितने जानदारों में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं उनका रीजेनरेशन पावर कम होता जाता है. तो रीजेनरेशन अगर आप देखना चाहेंगे इट कैन बी बेटरली एग्जाम्पलीफाइड इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म. रीजेनरेशन में आप देखिएगा डेफिनेशन के हिसाब से रीजेनरेशन एक ऐसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक जानदार या तो अपने जिस्म का कोई खोया हुआ कटा हुआ पार्ट फिर से बनाता है. रीजेनरेशन एक ऐसी प्रोसेस है ध्यान से सुनिएगा जिसमें या तो जानदार अपना खोया हुआ पार्ट या जिस्म का कटा हुआ पार्ट फिर से बनाता है या जानदार अपने जिस्म के छोटे से टुकड़े से पूरा ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है. अगर जैसे हम एग्जाम्पल में यहां पर ले सकते हैं अगर जानदार अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जिस्म का कोई पार्ट खोता है काटता है कट जाता है एक्सीडेंट के जरिए किसी की टांग कट गई किसी का एंटीना कट गया किसी की आर्म कट गई किसी का टेंटेकल कट गया अगर बॉडी का कोई पार्ट कट गया और वो जानदार फिर से उसको बनाता है वो भी रीजेनरेशन है. कभी कभार ऐसा होता है जानदार के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं टुकड़े हो जाते हैं. अगर एक पीसेस से या किसी छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट नोन पीस से जानदार अपनी बॉडी को फुल फ्लेज्ड वापस बनाता है वो भी रीजनरेशन है. अकॉर्डिंग हम देखेंगे रीजनरेशन के दो टाइप्स. पहला क्या बेटा रेस्टोरेटिव रीजनरेशन. अब देखिएगा यहां पर रेस्टोरियर है. रेस्टोरेटिव का मतलब है रेस्टोरियर टू रिबिल्ड फिर से बनाना. आप लिजर्ड में देख सकते हैं होलोथूरियन में देख सकते हैं. रेस्टोरेटिव में क्या होता है ध्यान से देखिएगा. ये रिजनरेशन का वो तरीका है बेटा जिसमें एक जानदार रेस्टोर करता है रिबिल्ड करता है या तो पूरे जिस्म को पूरी बॉडी को एक छोटे से फ्रेगमेंट से कंप्लीट बनाता है. जैसे आपने हाइड्रा देखा बेटा हाइड्रा में देखिएगा अगर हाइड्रा में आप छोटा सा पीस लेंगे छोटा सा और वो होगा कितना इट विल बी इक्वल टू 4 माइक्रोन जिसका माइक्रोन कितना होगा 4 माइक्रोन डायमीटर होगा. तो हाइड्रा इस छोटे से टुकड़े से 15 डेज के अंदर अंदर फुल फ्लजेड हाइड्रा बना देगा. ये पूरा हाइड्रा बना देगा. तो ये भी क्या है रिजनरेशन प्रोसेस है क्योंकि हाइड्रा में रिजनरेशन प्रोसेस हाई है इसीलिए हाइड्रा के बारे में ही ट्रम्बले ने स्टडी किया था. तो रेस्टोरेटिव में आपने क्या देखा अगर जिस्म का छोटा छोटा पार्ट बनाया जाए अगर जिस्म को बॉडी को लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ग्राइंड किया जाए एक छोटे से टुकड़े से जानदार अपनी पूरी बॉडी को बना सकता है उसको रेस्टोरेटिव कहते हैं. क्यों क्योंकि जो बॉडी का छोटा सा टुकड़ा बनेगा जरा बनेगा पार्टिकल बनेगा वो टोटिपोटेंट सेल होगी. क्योंकि आपको पता है बेटा टोटिपोटेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है टोटिपोटेंसी की. उसका यह मतलब हुआ एक सेल में इतनी एबिलिटी है एक सेल में इतना पावर है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फुल फ्लजेड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को वजूद में ला सकते हैं. तो रेस्टोरेटिव में जानदार या तो अपनी जिस्म का खोया हुआ टुकड़ा चाहे टेल ही क्यों ना कट जाए वापस बनाते हैं या जिस्म के छोटे जरे से पूरा जिस्म बनाते हैं. तो मैंने एग्जांपल दी थी हाइड्रा की वो एक छोटे से जरे से कितना छोटा पार्टिकल होता है अगर उसको ग्राइंड किया जाएगा 4 माइक्रोन का 15 डेज के अंदर फुल फ्लजेड बनाएगा नया ऑर्गेन नया हाइड्रा दैट रेस्टोरेटिव. मगर आप देखिएगा लास्ट में मैंने एग्जांपल दी है लिजर्ड की. आपको पता होगा लिजर्ड क्या करते हैं लिजर्ड के पीछे अगर कोई प्रीडेटर पड़ जाए बेटा तो लिजर्ड भागने की कोशिश करते हैं. अगर लिजर्ड को लगा कि उसका प्रीडेटर अब उसको छोड़ने वाला नहीं है तो लिजर्ड क्या करते हैं वो बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से खुद अपनी टेल को काट देते हैं. उसको ऑटोटॉमी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा ऑटोटॉमी.
क्योंकि ये किसकी वजह से टेल काट रहा है, खुद की वजह से, अपने जिस्म को बचाने के लिए, अपनी बॉडी को बचाने के लिए ये कुर्बानी टेल की देता है। आफ्टर सम टाइम अब देखिएगा ये फिर से टेल बनाता है, तो खोया हुआ पार्ट टेल था, टेल की कुर्बानी से इसका फुल फ्लजेड बॉडी जो है उसकी बच गई। किससे? प्रीडेटर से। जब प्रीडेटर इस पे हमला करता है तो उसके हाथ में क्या आती है? टेल। जब तक उसको पता चलता है कि हमारे हाथ में टेल आई है, लिजर्ड नहीं आया, तब तक लिजर्ड अपने आप को बचाता है, कहीं छुप जाता है। फिर आफ्टर फ्यू डेज वो क्या करता है? रिजर्वेशन प्रोसेस को शुरू करता है और टेल नई तरीके से बनाता है। हमारा और एक एग्जांपल है हमारा बेटा, अब देखिएगा हॉलो थूरिया, इसको सी कुकम्बर कहते हैं। सी कुकम्बर में एक अच्छी प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं इविसिलेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है इविसिलेशन। सी कुकम्बर क्या करते हैं, जब ये समंदर में रहते हैं, ये सी कुकम्बर्स मोलस्का में आते हैं तो ये समंदर के अंदर रहते हैं, जब इनके पीछे कोई प्रीडेटर पड़ जाता है ये भागने की कोशिश करते हैं। जब इनको लगता है ये भाग नहीं पाएंगे तो ये अपने पेट को अंदर लेते हैं, अपने एब्डोमेन को अंदर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर अचानक रिलैक्स करते हैं। जब रिलैक्स करते हैं इनका पेट फट जाता है। जब इनका पेट फट जाता है इनके इंटरनल ऑर्गन्स, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो सब बाहर आते हैं, जो भी इंटेस्टाइन्स वगैरह है। तो इस तरह से वो माहौल जो बाहर का है वो धुंधला हो जाता है, पानी में टर्बिडिटी आ जाती है, विजिबिलिटी कम होती है पानी में इस विसरा की वजह से। तो जब प्रीडेटर को पता चलता है कि उसके हाथ में विसरा आ गया है, बल्कि होलोथूरिया सी कुकम्बर नहीं आया है, तब तक उसको काफी टाइम मिलता है अपने आप को बचाने के लिए। फिर आफ्टर सम टाइम सी कुकम्बर होलोथूरिया क्या करता है, ये नया तरीके से अपना विसरा बनाता है। तो रेस्टोरेटिव में हमने देखा एक जानदार या तो जिस्म का खोया हुआ पार्ट वापस बनाता है, या एक जानदार छोटे से जरे से, छोटे से पार्टिकल से पूरा जिस्म बनाता है। दूसरा जो टाइप है वो है रिपारेटिव रिजेनरेशन का। ये लैटिन वर्ड रिपारियर से निकला है, इसका मतलब है टू रिपेयर एंड टू मेंड। यहां पर हम कोई खोया हुआ जिस्म का पार्ट वापस नहीं बनाते हैं, फिर यहां पर हम जिस्म के छोटे पार्ट से पूरा जिस्म नहीं बनाते, एक पार्टिकल से, जैसे हाइड्रा ने किया, छोटे पार्टिकल माइक्रोन से, 4 माइक्रोन पार्टिकल से पूरा हाइड्रा बना था, ऐसा भी नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसमें रिपेयरिंग होती है। रिपेयरिंग का मतलब है मरम्मत होना, अगर कहीं पर जख्म लग जाए वो जख्म बंद हो जाता है, ये रिपेयरिंग का मामला है। रेस्टोरेटिव में या तो जिस्म का खोया हुआ पार्ट बनाया जाता है या छोटे पार्ट का पूरा जिस्म बनाया जाता है। एंड रेस्टोरेटिव रिजेनरेशन इज वेरी कॉमन इन लोअर ऑर्गेनिज्म्स। मैंने पहले स्टेप में बोला था जितना जानदार कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतनी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिजेनरेशन कमजोर हो जाएगी। जब आप देखते हैं कि रिपेरेटिव का मामला, जब रिपेयरिंग चल रही है तो रिपेयरिंग की वजह से आप देखिएगा कभी कभार हम अपनी बात करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स है ह्यूमंस, हमें कभी कभार हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हम गिर जाए, फ्रैक्चर हो जाए। जब हमारा फ्रैक्चर होता है हम प्लास्टर करते हैं, फ्रैक्चर जहां पर हड्डी टूटी थी वो हड्डियां फिर से जुड़ जाती है। ये हड्डियों का वापस जुड़ना ये भी रिजेनरेशन, मगर कौन सी रिजेनरेशन? इट इज कॉल्ड रिपेरेटिव रिजेनरेशन। रिपेरेटिव रिजेनरेशन में माइनर सेलिंग्स होते हैं वाउंड्स के, तो ये रिपेरेटिव रिजेनरेशन उनमें होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी ज्यादा होती है। तो बेटा ये थोड़ा सा था किसके बारे में, रिगार्डिंग रिजेनरेशन टाइप्स। आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बेटा बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन। टिल देन खुदा हाफिज़।